हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो फाइनली जो स्टूडेंट जो व्याख्याता पद के जो काउंसलिंग कराए हों, चाहे जो आपका जो द्वितीय जो काउंसलिंग कराए हैं, उन लोग के लिए यहाँ पे जो लोग को वेरिफिकेशन है कब से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे हम जो कि आपका जो नोटिफिकेशन निकाली गई है आपका लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के द्वारा इसको निकाली गई, यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं, यहाँ पर 4/9/2023 को इसको इशू किया गया है। ये आपका शिक्षक भर्ती जो सीधे भर्ती जो आपका जो यहाँ पर क्रमांक यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कब से इसका वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ पे जो स्टूडेंट काउंसलिंग में जो डाले होंगे वो यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर बोला गया है शिक्षक भर्ती 2023 में, तो शिक्षक जो भर्ती है 2023 में व्याख्याता पद के लिए, जो व्याख्याता पद के लिए जो अभ्यर्थी को द्वितीय चरण की जो ऑनलाइन काउंसलिंग 9/8/2023, तो 9/8/2023 को जो जो अभ्यर्थी व्याख्याता पद के लिए यहाँ पे द्वितीय चरण या सेकंड जो काउंसलिंग के जो फॉर्म यहाँ पे अप्लाई किए हैं, तो उन लोग यहाँ पे दोपहर 12 बजे से स्टार्ट किया था, और इसका 15/8/2023 से इसका लास्ट डेट था 9/8/2023 के, मतलब ये आपका अगस्त महीना का है, 9/8/2023 का किया गया था। तो आपका जो कि सेकेंड काउंसलिंग 15/8/2023 से इसका लास्ट डेट रखा गया था। तो इसमें जो ऑनलाइन कराए हैं जो स्टूडेंट जो व्याख्याता पद के लिए यहाँ पे, उन लोग यहाँ पे और जो काउंसलिंग करा चुके हैं, उन लोग ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन, जो ऑनलाइन जो काउंसलिंग कराए हैं और जो शामिल अभ्यर्थियों को जो दस्तावेज सत्यापन जो दिनांक है यहाँ पर देख सकते हैं 8/9/2023, तीन लोग का जो काउंसलिंग कराए स्टूडेंट, उन लोग के यहाँ पे जो वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल साथ में लेके जाइएगा, साथ ही साथ फोटो कॉपी भी लेके जाइएगा, जो जो डॉक्यूमेंट है आप लोग को पता होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट है पूरा A to Z आपको लेके जाना है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं ये छोड़ के आ गया, ऐसा नहीं, पूरा आधार कार्ड से लेकर पूरा जो भी डॉक्यूमेंट है आपको लेके मार्कशीट के साथ आपको जाना है। और आपके यहाँ पर बोला गया जो जो शामिल जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन जो दिनांक यहाँ पे 8/9/2023, मतलब आप 8 तारीख से, 7 तारीख तो इसका लास्ट डे, मतलब 7 के बाद सीधा 8 तक, जो 8/9/2023 के जो लोक शिक्षण जो संचालन खंड 3 में जो प्रथम तल इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर में प्रातः 11 बजे इसको किया जाएगा। यहाँ पे देखते जो वेरिफिकेशन के लिए जो स्टूडेंट यहाँ पे जा रहे हैं, तो दस्तावेज सत्यापन यहाँ पे 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये आपका सितंबर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आज अगर 6 मतलब परसों नरसों की बात है, तो 8/9/2023 को उन लोग को बुलाया गया है। कहाँ पे बुलाया गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं लोक शिक्षण संचालनालय खंड 3 प्रथम तल इंद्रावती भवन, इंद्रावती भवन जो अटल नगर जो रायपुर में आपको मॉर्निंग में 11 बजे आपको उपस्थित होना है, 11 मतलब 1-2 घंटे पहले से जाइएगा, मौसम के कारण यहाँ पहले से जा कर रहिए, एक दिन पहले कुछ भी रिलेटिव वगैरह हैं अपने फ्रेंड सर्कल में तो एक दिन पहले जाइए, क्योंकि अभी जो मौसम बन रहा है कभी भी बारिश हो सकती है, तो इससे अच्छा है पहले से जाकर वहाँ पे पहुँच जाइए और 1 या 2 घंटे पहले वहाँ पे पहुँच जाइएगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिन बोल दिया गया कि प्रातः 11 बजे से यहाँ पर किया जाएगा, मतलब 11 बजे से पहले आपको वहाँ पर जाना है, जो प्रोसेस है 11 बजे से इसका प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको डेट जो रखी गई है 8/9/2023 को ये आपके काउंसलिंग जो करा चुके हैं, तो इन लोगों का जो दस्तावेज सत्यापन है आपका 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका 8/9/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दस्तावेज वगैरह है पूरा A to Z डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, वेरिफिकेशन वगैरह, तो यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला एड्रेस में आपको जाना है। तो चलिए ये थे नोटिफिकेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बढ़िया वेरिफिकेशन लाया है करा के आइएगा, और मेरे तरफ से बहुत यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ मैं, और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको A to Z यहाँ पे लेके जाइएगा। तो इसी तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि ऐसे तरह के नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए, और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो इसको मैं टेलीग्राम में अभी शेयर कर देता हूँ, ताकि इसको बढ़िया से देख लीजिएगा एड्रेस वगैरह को, और एक दिन पहले वहाँ पर जाइएगा, एक दिन पहले जाइएगा, क्योंकि बरसात का मौसम है, बाइक वगैरह से आएंगे तो बरसात में फंस सकते हैं, इसलिए पहले से जाइएगा वहाँ पे। यहाँ पे 8 तारीख के इसके जो डेट रखी गई है, यहाँ पे एड्रेस तो बता दिया हूँ मैं, तो 11 बजे से स्टार्ट, तो वहाँ पे 10 बजे आपको पहुँच ही जाना है, 10 बजे पहुँच के आप बढ़िया 1 घंटा वहाँ पर रेस्ट कीजिए, फिर 11 बजे से आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह का नोटिफिकेशन हमारे चैनल को
अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।